में एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी इसी है जो कि जिसके लिए कुछ करने का जुनून है, कुछ कर गुजरने का। कहते हैं कि जो बाज है, जो परिंदा है, जो कुछ जीवन में बदलना चाहता है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और जो जिंदगी में केवल यह सोचता है कि मेरे लिए कोई और करके दे दे, उसके लिए ये एक महज सूचना, या हो सकता है उसके लिए वो भी ना हो। अब सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आप पिछले 4 साल से 2019 से लगभग अक्टूबर 2018 अक्टूबर में लास्ट भर्ती आई, तब से आप वैसे वेट कर रहे हैं जैसे भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद में अयोध्यावासी वेट कर रहे थे कब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आएंगे। वैसे ही तुमने पिछले 4 साल से यूपी पुलिस कांस्टेबल की 26,000 भर्ती के लिए वेट किया है। यह वेट और उस तुम्हारे साथ साथ उन माता पिता ने भी किया कि जिनके हर बार एक मन से आवाज से निकलती कि काश इस बार ये लड़का मेरा, इस बार मेरी लड़की पढ़ रही है, ये इस बार सिलेक्ट हो जाएगा, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ सुकून, कुछ सुख, कुछ चैन, कुछ सुख मिलेगा, मैं भी नए कपड़े खरीदूंगा, मेरे लिए मैं नहीं सोचूंगा तो मेरे बच्चे सोचेंगे। वो माँ बाप ने भी उतना इंतजार किया, किसी की छोटी बहन, कोई बड़ी बहन शादी लायक थी, उसने भी इंतजार किया कि मेरा भाई या मेरी बहन को सिलेक्शन लेगी जो थोड़ी पढ़ी है, जिसकी तैयारी है। तो सबसे पहले हम सबने भर्ती का वेट किया, फिर पिछले साल भर्ती आई, फॉर्म भरने मतलब भर्ती का पता चला कि टेंडर भरना शुरू हुआ, फिर टेंडर में सरकार 1 साल ले गई, हर चीज अपने समय पर होती चली गई। लेकिन एक भर्ती जिसको केवल एक सपने के तौर पर दिखाया गया, इसके दिन कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, कभी 30 दिन, ये सब आगे बढ़ते चले गए। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, वो माता पिता का इंतजार, वो तुम्हारा इंतजार, वो हम सब का इंतजार, वो ललक कुछ कर गुजरने की, वो चिंगारी, वो लौ जो तुम्हारे अंदर जल रही है, लेकिन तुझे मेरे लिए होना पड़ेगा, तुझे काबिल बनना पड़ेगा। सिलेक्शन लेगा कल से, आज से, और जो छोड़ेगा